हमारे भारत में चप्पलों की बिक्री बहुत ज्यादा होती है क्योंकि स्लीपर एक आरामदायक चप्पल है जिसे सभी अपने घर के अंदर पहनते हैं। हालांकि स्लीपर कई प्रकार की होती है जिन्हें पहनकर घर से बाहर भी जाया जा सकता है और इसलिए आज बाजार में कई तरह की छोटी बड़ी रंगीन चप्पलें मिलती है जिन्हें लोग अलग अलग इस्तेमाल के तौर पर खरीदते हैं। जिन्हें कई छोटी बड़ी कंपनियां हैं जो इसे बनाकर मार्केट में बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे आप चप्पल बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपकी जो लागत है वो उसमें कितनी आएगी, कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस लगेंगे आपको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी, मशीनें आपको कौन सी चाहिए होगी, कहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कितनी मैन पावर चाहिए होगी, चप्पल बनाने का सही तरीका क्या है, कौन सी आपको चप्पल बनानी चाहिए, कैसे आपका बिजनेस जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा, आपको इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ऐसे दोस्तों कई सारे जरूरी पॉइंट के ऊपर दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो तो आपने दोस्तों बहुत सारी देखी होगी लेकिन जो आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो आपको दोबारा किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, चप्पल बनाने की बिजनेस की मार्केट में डिमांड और स्कोप। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं चप्पल स्लीपर की जरूरत हर घर में होती है, जो बदलते समय के साथ साथ स्लीपर के डिजाइन और डिमांड भी बढ़ रही है। क्योंकि पहले जहां लोग एक ही जोड़ी चप्पल से सभी काम निकाल लिया करते थे, वहीं आज सभी कामों के लिए अलग अलग तरह की स्लीपर लेनी पड़ती है। जैसे वॉक करने के लिए अलग, घर के लिए अलग और टॉयलेट, घूमने, बाहर जाने के लिए अलग अलग चप्पलों की जरूरत होती है, जो खराब होने पर 2 से 3 महीने के बाद नई लानी पड़ती है क्योंकि ये पैरों को खुला और आरामदायक बनाती है। जिससे कि मार्केटिंग में आए दिन चप्पलों की नए नए डिजाइन आते रहते हैं जिससे कि लोगों की भारी डिमांड रहती है। बाकी आप जहां बिजनेस शुरू करने की सोच रहे वहां पहले मार्केट रिसर्च जरूर कर लें ताकि आपको बिजनेस चलाने में किसी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। पॉइंट नंबर 2, अभी आप हम बात कर लेते हैं चप्पल बनाने के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जगह कितनी चाहिए होगी। चप्पल बनाने के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जगह बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होगी, इसे आप अपने घर के एक बड़े कमरे से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको बिजली, पानी, सड़क सभी सुविधा अच्छे से मिल रही है तो। लेकिन अगर आप बाहर शुरू करना चाहते हो तो आपको ऐसी जगह देखनी होगी जहां बेसिक सुविधा बिजली, पानी, सड़क हो और मेन मार्केट हो या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह के नजदीक हो, जहां से आप माल तैयार करके आसानी से दुकानों, होलसेलरों को सप्लाई कर सको। जिसमें शुरुआत में कम से कम 100 से 200 स्क्वायर फीट जगह आपको चाहिए होगी जिसमें आपकी मशीनें, रॉ मटेरियल, तैयार माल सभी रख सको। फिर जब आपका काम बढ़ने लगे तो ज्यादा बड़ी जगह आप ले सकते हो। पॉइंट नंबर 3, चप्पल बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल मशीनों की जरूरत। चप्पल बनाने के लिए कच्चे माल में आपको रबड़ शीट, पट्टियों की जरूरत होती है। ध्यान दें सही क्वालिटी का मटेरियल लें ताकि क्वालिटी बेहतर मिले। इसके अलावा पीवीसी पेंट जिससे आप चप्पल स्लीपर पर कलर कर सकते हैं और पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड बॉक्स, कार्टून पैक करने के लिए ताकि प्रोडक्ट सेफली मार्केट तक पहुंच सके। ये मटेरियल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन इंडिया मार्ट, टेरिना जैसी साइट से खरीद सकते हो। वहीं मशीनों में आपको हैंड ऑपरेट हवाई चप्पल सोल कटिंग, हवाई चप्पल ग्राइंडिंग मशीन फिनिशिंग, हवाई चप्पल स्क्रीन प्रिंटिंग, हवाई चप्पल ड्रिल मशीन, हवाई चप्पल स्टॉक मशीन, चप्पल साइज के लिए 3 से 9 नंबर तक के डाई, तो ये सभी मशीन आप ऑनलाइन इंडिया मार्ट, अमेजोन से खरीद सकते हो या फिर अपने नजदीकी मशीनरी मार्केट से जाके डायरेक्ट खरीद सकते हो। पॉइंट नंबर 4, चप्पल बनाने के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस लेने होंगे। देखिए दोस्तों, बिजनेस को सही तरीके और लंबे समय तक चलाना चाहते हो तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप जरूर बनवा कर रख लें। जिसमें सबसे पहले अपने बिजनेस को एमएसएमई के तहत रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद कंपनी को आरओसी में रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा वन फ्रॉम कंपनी या फिर एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी प्रोप्राइटरशिप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ट्रेड लाइसेंस लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, प्रदूषण कंट्रोल विभाग से आपको परमिशन लेनी होगी और एनओसी सर्टिफिकेट। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आप ये डॉक्यूमेंट आप जरूर बनवा लें जो आपके बिजनेस के लिए दोस्तों जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं चप्पल बनाने की प्रक्रिया और उसकी पैकेजिंग के लिए स्टाफ की जरूरत। चप्पल बनाने के लिए आपको इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप इसकी जानकारी ले समझे कैसे चप्पल बनाई जाती है। हालांकि चप्पल बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ की शीट को सोल कटिंग मशीन में काट लिया जाता है। ध्यान रखें कि आप एक ही डाई से पूरी शीट की कटिंग करें, अगर मशीन एडवांस है तो। कटिंग के दौरान ही चप्पल में फीते की जगह पर होल हो जाते हैं। उसके बाद ग्राइंडिंग मशीन से स्लीपर के चारों तरफ फिनिशिंग करके प्लेन कर लिया जाता है। फिर चप्पल को प्रिंट किया जाता है। प्रिंट हो जाने के बाद कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद ड्रिलिंग मशीन से सुराख को और बड़ा किया जाता है। इसके बाद स्ट्रैप डाली जाती है। तो इस तरह स्लीपर बनकर तैयार है, जिसके बाद इन्हें पैक करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। इन सभी कामों के लिए आपको शुरुआत में 2 हेल्पर की जरूरत होगी जो आपकी इस काम के अंदर हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 6, चप्पल तैयार करके इसे कैसे और कहां सेल करें। चप्पल तैयार करने के बाद आपको इन्हें बेचने के लिए बिजनेस की मार्केटिंग करनी होगी, जो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो। जिसमें अच्छी तरह से डिजाइन किए गए होर्डिंग, पैम्पलेट, मैगजीन, अखबार में एड दें
क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं होगा आप क्या बना रहे हो, कैसी क्वालिटी दे रहे हो, तो कस्टमर कैसे आएगा। इसलिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपने आसपास के सभी एरिया की जूतों चप्पल की दुकानों होलसेलरों के पास जाकर अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे, उन्हें कम मार्जिन पर माल दे, क्वालिटी बेहतर रखे, क्योंकि चप्पल तो सभी बनाते लेकिन क्वालिटी हर कोई नहीं देता। इसलिए क्वालिटी का खास ध्यान रखे, मार्केट प्राइस से अपना रेट कम रखे, जिसका फायदा आपको कुछ ही समय के अंदर दिख जाएगा। ज्यादा सेल के लिए आप मार्केट में एक छोटी सी दुकान लेकर वहां पर अपनी चप्पल बेचना स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो सेल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 7, आप दोस्तों बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, अगर आप चप्पल बनाने के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपकी जो लागत है वो इसमें कितनी आएगी, कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, चप्पल बनाने के बिजनेस को अगर आप छोटे स्तर पर शुरू करते हैं तो आपको 1,00,000 रुपए के अराउंड आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने होंगे, और अगर आप पूरा सेटअप लगाकर शुरुआत करते तो आपको 5 से 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, क्योंकि आपकी मशीनें ही इसमें 1 से 2 लाख रुपए के अराउंड की आएगी। इसके अलावा रॉ मटेरियल, स्टाफ की सैलरी, सभी चीजें इसके अंदर शामिल है। अब बात करें प्रॉफिट की, तो आमतौर पर एक स्लीपर बनाने की कुल लागत 30 से 40 रुपए की होती है, जो बाजार में 90 से 100 रुपए तक बिकती है। तो अगर आप रोज 12 घंटे काम करके 150 से 250 दर्जन स्लीपर बनाते हो तो आपको महीने के होते हैं 30,000 से 40,000 रुपए। बाकी दोस्तों डिपेंड करता है आप किस तरह की स्लीपर बना रहे हो और आप कितना इसमें सेल कर रहे हो। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो, कैसे आप स्लीपर यानी कि चप्पल बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहेगा।